ओए की हाल चाल। ओए आज 29th October है एंड मेरा डे 5 है। जो वाराणसी में हूँ मैं अभी, वाराणसी में एक होटल में मैं नीचे पार्किंग में अभी गाड़ी मैं रेडी कर रहा हूँ, निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। अब यहाँ से निकलकर मैं जाऊँगा बोध गया में। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगा ये जो प्रेजेंट पेंडेमिक चल रहा है उसके लिए, और आपको मैं राइट डिटेल्स देते रहूँगा। अब बोध गया जा रहा हूँ मैं, वाराणसी से निकल रहा हूँ। यहाँ से गंगा घाट के दर्शन किए मैंने, गंगा आरती भी देखी और काशी विश्वनाथ टेंपल का दर्शन भी किया है। अब यहाँ से जाके बोध गया जाऊँगा, बोध गया में दर्शन करके उसके बाद में फिर पटना जो तखत है, गुरुद्वारा है सबसे बड़ा, वहाँ पर जाऊँगा, जो मेरा सेकेंड तखत होगा। जो 5 तखत दर्शन के लिए मैं निकला हूँ उसमें से वो सेकंड तखत होगा। उसके बाद में फिर मेरा टूर होगा लखनऊ, लखनऊ के बाद में ऋषिकेश हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में देहरादून, देहरादून में मैं थोड़ा रुकूँगा, देहरादून में थोड़ा घूमूँगा एंड उसके बाद में फिर पौंटा साहिब जो गुरुद्वारा है वो होते हुए उसके बाद में मैं फिर आगे के पंजाब में आ जाऊँगा, आगे के गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए। आप सबकी ब्लेसिंग्स साथ में है और ये जो कोरोना काल चल रहा है उसके प्रेयर्स के लिए मैं निकला हुआ हूँ। आई होप ये सब जल्दी ठीक हो जाए। बाइक किधर खड़ी करने का, बाइक खड़ा कहाँ करने का, चले गए इधर, बैग वगैरह लगा रहेगा। अच्छा ठीक है, दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे खड़ी किया तो। क्या करते हैं आप? बाइक राइडिंग है। अच्छा बाइक राइडिंग है, इसीलिए ठीक है, जाइए ठीक है। चलेगा ना इसमें अंदर, बोला आपसे मिलने के लिए, एड्रेस में चलेगा नहीं चलेगा, बाइक राइडर हो, खोल के लिया, चेकिंग किया, बाइक राइडर हो, बाइक से हो, उसका पूरा किट किया हुआ है। था बोध गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करना बाकी है बट टाइम नहीं था करके मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। आपको मेन जो महाबोधि टेंपल है मैंने उसका आपको अंदर से परिक्रमा करवा दिया है। अगर आप बाइक राइडिंग एक्सेसरीज में अगर आप अंदर जा रहे हो, किटअप होके अंदर जा रहे हो, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग
करवानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता कि आपके बाइक राइडिंग एक्सेसरीज, राइडिंग गियर सब होते क्या है, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक्शन कैमरा आप अंदर लेकर नहीं जा सकते, आपको अंदर उसका फीस भरना पड़ता है एक्शन कैमरे का, जो 100 रुपीज़ या 300 रुपीज़ होता है। और मोबाइल फ़ोन्स अंदर अलाउड नहीं है। मैं आप सबको ये वीडियो दिखाने के लिए 300 रुपये भर के मैं अंदर गया था। आप इवनिंग में ट्रैवल करने वालों ये रोड से तो आप अवॉइड करना, आप जहाँ पर हो बोधगया में तो वहीं पर रुक जाना, ये वाला रूट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। ये वाला नहीं, मैं दूसरा रूट पे था, स्टेट हाईवे पर भी था, वो भी एकदम ख़राब था। वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा डाइवर्शन लिया नेशनल हाईवे पर आने के लिए। नेशनल हाईवे वाला रोड तो और ख़राब है, आपकी स्पीड ख़राब हो जाएगी, आपको आगे का विजिबिलिटी ख़राब हो जाएगा, सामने वाले सब ट्रक से वो लोग हाई बीम पे गाड़ी चलाते, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इवनिंग टाइम पे ये रूट अवॉइड करने का सजेशन दूंगा। चलो अभी पटना चल के कैमरा ऑन करते हैं, लेट्स गो। पटना साहब गुरुद्वारा से बस 5 किलोमीटर दूर हूँ, जो 15 मिनट बता रहा है, बट ट्रैफिक बहुत है। मैं 6 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए था, बट इतना ट्रैफिक में अटक गया हूँ मैं। हर जगह पर ट्रैफिक है, हर जगह पर कब से ट्रैफिक चल रहा है। आई एम लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 2 आवर्स लेट सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। हाँ जी, कल सो रहे होंगे, सुच्चा हो क्या होंगे?